हरियाणा के 5 टॉप 5 सवालों में से एक सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में जेजेपी का क्या होगा। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त कराने वाली जेजेपी की दुर्गति के साफ आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि जेजेपी का अंजाम क्या होगा। क्या दुष्यंत चौटाला की बिरान माटी, खराब माटी और रेरे माटी लगातार दूसरी बार होगी। जब हमने गहराई से पूरे प्रदेश की पड़ताल की, जब हमने पूरी गहराई से जेजेपी के पास मौजूद नेताओं की पड़ताल की, जब हमने जेजेपी के 2019 के प्रत्याशियों की पड़ताल की और जब हमने जेजेपी के प्रति प्रदेश की जनता में माहौल की पड़ताल की, तो साफ तौर पर जाहिर हो गया कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों की विधानसभा चुनाव में भी दुर्गति होना पक्का तय है। असल में जेजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। जेजेपी के लिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उसकी 98% सीटों पर जमानत जब्त हो सकती है, यानी 3 से 4 सीटों पर ही जेजेपी की जमानत जब्त होने से बच पाएगी। इसके अलावा जेजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 80 सीटों पर उसके 3000 से कम वोट आएंगे, यानी 80 सीटों के ऊपर दुष्यंत चौटाला की पार्टी के प्रत्याशियों को 500 से लेकर 3000 तक वोट मिलेंगे। 7 सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर 5000 से वोट कम मिलेंगे। 3000 से 5000 वोटों की संभावना वाली सीटों के नाम उकलाना, जुलाना, नरवाना, नारनोंद, बुआनीखेड़ा, नलवा और पानीपत ग्रामीण हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर जेजेपी 10000 से ज़्यादा वोट ले सकते हैं। उनमें दुष्यंत चौटाला की उचाना सीट शामिल है, उसमें नैना चौटाला की बराड़ा सीट शामिल है और उसमें दिग्विजय चौटाला की अगले चुनाव वाली सीट डबवाली शामिल है। यानी सिर्फ 3 सीटें ही ऐसी हैं जहां पर जेजेपी 10000 से ज़्यादा वोट लेती हुई नज़र आ रही है। बाकी की सीटों पर अब जेजेपी के लिए शर्मनाक परिणाम आते हुए अभी से नज़र आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि 2019 में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले 70 प्रत्याशी जेजेपी को छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस में चले गए हैं। इन चुनाव परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला को जोर का झटका लगेगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी पर अब चुनाव लड़ने के लिए उसके खुद के नेता ही तैयार नहीं हैं। हम आपको अंदर की खबर बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला को 8 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिले और उन्हें जबरदस्ती टिकटें थमानी पड़ी। यही हाल विधानसभा चुनाव में भी होगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी का ग्राफ इस समय गिर चुका है। पार्टी के पास ए ग्रेड के नेता जा चुके हैं। 10 में से सिर्फ 4 विधायक ही अब दुष्यंत चौटाला के साथ में खड़े हैं, जिनमें से वो खुद और उनकी मां नैना चौटाला हैं। उनके अलावा अनूप धानक और अमरजीत ढांडा ही उनके साथ में खड़े हैं। बाकी के 6 विधायक कहने को तो अभी जेजेपी के विधायक हैं, लेकिन वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जा चुके हैं। वो जेजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो कांग्रेस या बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के पास प्रत्याशियों का अकाल रहेगा। उनके पास अब सिर्फ सी ग्रेड के कार्यकर्ता बचे हैं और ये कार्यकर्ता भी अब चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहेगा। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी ढूंढने में भी पसीने छूट जाएंगे। उनके पास टिकट लेने वालों की भीड़ नहीं होगी, बल्कि टिकट देने के लिए उन्हें लोगों के आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे और ज़बरदस्ती टिकट चेपनी पड़ेगी। यानी माहौल पलट गया है। जिस तरह से 2019 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला के पास टिकटें लेने वालों का अकाल था, अब वही कहानी पलट गई है। अब जेजेपी के पास टिकट लेने वालों का अकाल रहेगा। बीएसपी के साथ गठबंधन के बाद जहां अभय सिंह चौटाला के पास टिकट के दावेदारों की संख्या ज़्यादा रहेगी, वहीं दुष्यंत चौटाला के पास ढूंढने से भी टिकट लेने वाले मजबूत प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। यानी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला और उनकी जेजेपी दोनों की दुर्गति होती हुई पक्की नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले ही दुष्यंत चौटाला के लिए हालात खराब हो गए थे। बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की दुर्गति शुरू हो गई थी, क्योंकि उसके बहुत सारे नेताओं ने अब पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया था। असल में दुष्यंत चौटाला के खुद के व्यवहार ने ही उन्हें इस हालात पर पहुंचाने का काम किया है, जहां उनके अहंकार ने उनके साथ के पार्टी के विधायकों को उनसे अलग करने का काम किया, वहीं पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों का भी उनसे मन खट्टा हो गया। दुष्यंत चौटाला को यह एहसास था कि वो बड़े नेता बन गए हैं, अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है और सारे के सारे अब उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं। यही वजह रही दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम
चिन्ह के तौर पर सबको राजी रखने के बजाय सबको नाराज करने का काम किया, सबको अनदेखा करने का काम किया, सबको हाशिए पर डालने का काम किया। यही वजह रही कि पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का उनसे मोह भंग हो गया और बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद उनको वोट देने वाले 50% जाट वोटरों को भी उनसे नफरत हो गई, उनसे नाराजगी हो गई। उनके परिवार के कट्टर वोट बैंक को भी उनके व्यवहार के चलते उनसे नाराजगी हो गई। यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर शर्मनाक हार मिली और 10 की 10 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। अब यही हालात सेम टू सेम 100% विधानसभा चुनाव में भी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। उनके शर्मनाक परिणाम उनको सियासत के बिल्कुल निचले छोर पर यानी अर्श से फर्श पर धकेलने का काम करेंगे और दुष्यंत चौटाला की सियासत पर संकट मंडराता हुआ नजर आएगा। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के ही अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की मजबूती वाली सीटों की संख्या को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला के खुद के उचना हल्के के सियासी हालात को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। नैना सिंह चौटाला के बड़े सियासी फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।